चैनल। तो आज हम लेके आए हैं एक पोलो, तो इसका हम आपको डिटेल रिव्यू देंगे आज कि पोलो मॉडिफाइड भी है और इसका रिव्यू देंगे कि 2021 में आपको लेनी चाहिए पोलो और आप पोलो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसमें क्या क्या मॉड्स करा रखे हैं। तो ये इसकी हेडलाइट आती थी स्टॉक, इसमें मैंने ब्लैक टेपिंग करवा रखी है जिससे ये इसकी आईलिड लगे बॉडी कलर के मैचिंग में, जिससे थोड़ी गाड़ी भी लो लो फील होती है। और इसमें आता था 55-60 का बल्ब आता था, तो उसको मैंने स्टॉक बल्ब को हटवा के इस पर 90-100 का बल्ब लगवा रखा है, जिसमें ब्राइटनेस मेरी बढ़ गई है पहले के कंपेयर में। तो साइड प्रोफाइल में देखते हैं हम गाड़ी, इसमें जो फॉग लैम्प्स उस टाइम में ट्रेड लाइन में आते नहीं थे, तो अभी फ्यूचर में अपग्रेड में सोच रहा हूँ इसमें फॉग लैम्प्स लगवाने का LED के साथ। तो साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो हमने इसमें एलॉय लगवा रखे हैं 95/60R15 15 इंच के एलॉय होने वाले हैं। तो इसमें मैंने ये टायर स्टिकरिंग करवा रखी है और इसके जो कैलिबर्स है उसको रेड पेंट में कर रखा है। तो साइड्स और फिर देखते हैं, अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं अंदर मैंने क्या क्या करवा रखा है इसमें। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको मैंने अंदर से क्या क्या मॉड्स कर रखे हैं इसमें। तो ये मैंने एल वायर लगा रखी है इसमें, ये ऐप कंट्रोल्ड है, ये रात को जलती है, फ़ोन से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इधर मैंने एक LED लगा रखी है, ये भी रात को जला के आपको दिखाऊंगा वीडियो कि कैसी लगती है। और नीचे सब मैंने इसमें एक घोस्ट लाइट लगा रखी है, ये रात को जैसे गेट खोलते तो नीचे प्रोजेक्शन करती है फोक्स वैगन का। और अंदर दिखाया जाए तो आपको इसमें मैंने सीट कवर लगवाए थे और ये फोक्स वैगन का ये एंटी स्किड मैट बोल सकते हैं आप इसे, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, ये लगवाया है मैंने। और एक वो लगाया सोलर से चलने वाला परफ्यूम। और इसमें ये स्पीकर्स देख सकते हैं आप, इसमें मैंने सिस्टम भी बहुत हैवी लगा रखा है। और बाकी आप देख सकते हैं इंटीरियर कुछ ऐसा है, इस टाइप का है पोलो का 2010 का। पीछे की बात करते हैं, पीछे आपको मैं दिखाऊँ तो पीछे हमारा थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, पीछे भी वही सेम है, ये चारों गत्तों पे मैंने यही लाइट लगा रखी है सेम। और अंदर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, पोलो में पीछे वाले पैसेंजरों के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं बचा होता, बिल्कुल ना के बराबर ये पर एडजस्ट करके बैठना पड़ता है। और वैसे इसके अंदर यही है मेन। अब मैं आपको इसका बूट दिखाऊंगा, इसका बूट में मैंने क्या क्या है मेरे बूट। तो बूट खोलते हम, तो बूट खोलने के बाद आप देख सकते हैं इसमें मैंने लगा रखे हैं दो वूफर्स, जो पाइनियर के हैं, ओल्ड सीरीज़ है, चैम्पियन सीरीज़ के वूफर्स आते थे आज से पहले, जो बहुत हैवी वूफर्स थे। और इसमें मैंने दो एम्प लगा रखे हैं, एक मोनो है और एक 4-चैनल है। और जो मोनो है वो ये दोनों वूफर को रन कर रहा है, और जो 4-चैनल है कार में 8 स्पीकर्स है उसे रन कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने पार्सल ट्रे में रॉकफोर्ट के स्पीकर्स लगा रखे हैं आप देख सकते। तो मैंने इस पर ओवल स्पीकर लगा रखे हैं रॉकफोर्ड के दो ओवल स्पीकर लगा रखे हैं। तो बीच पे मैंने होल करवा रखा है, यहाँ कोई स्पीकर नहीं है, इसमें से मैंने ग्रिल लगवा रखा है क्योंकि बेस को अंदर कैबिन के अंदर लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं फोक्स वैगन में पोलो में कितनी जगह रहती है, अगर आप एक दो वूफर लगाएंगे तो आपके पास कुछ जगह नहीं बचेगी, आप इधर कुछ या इधर कुछ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, आपकी बूट तो बिल्कुल ही चली जाएगी। उसके तो मैंने एक और मॉड करा रखा है, इसकी जो टेल लाइट है ये इसको मैंने टेंट करवा लिया स्मोक में, तो इससे आप देख सकते हैं इससे थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी लगती है लाइट थोड़ी, और रात को जलते वक्त बहुत अच्छी भी लगती है। और इसके पार्किंग बल्ब येलो आते थे स्टॉक में, तो इसमें मैंने चेंज करके इसमें LED लाइट्स लगा ली। और नीचे मैंने आजकल ट्रेंडिंग में है ये टो बेल्ट, तो ये टो बेल्ट भी मैंने लगाई है इसमें। बाकी तो इसमें ये बेसिकली ये मॉडल MPI है, तो इसमें मैंने GPTSI की बैजिंग करा दी। तो गाइस आपको अब हम NCS का सॉन्ग प्ले करके दिखाएंगे कि कैसी साउंड की आउटपुट आती है।